सीएम भूपेन्द्र पटेल मोरबी शनाळा रोड पर स्काई मॉल पहुंचा था जहां तेवोनु भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। स्काई मॉल में सीएम धारासभ्यो अने भाजपना आगेवानो साथे बैठक करी हती। धारासभ्योना सम्मेलन में सीएम जोड़ाई ते पहला ज मॉल में लाइट गुल थई गई हती। जो कि लाइट वगर ज सीएमे कार्यक्रम शुरू कर्यो हतो अने सम्मेलनो हॉल हाउसफुल अने लाइट गुल थता आयोजकोनी बेजवाबदारी सामे आवी हती। प्रथम वक्त वडोदरानी खानगी स्कूल में पीएम मोदीनी मन की बात ना कार्यक्रम ने बे दिवसीय प्रदर्शनी योजाई हती। 10 दिवस की मेहनत करीने 36 थी वधु विद्यार्थीओ समग्र प्रदर्शनी तैयार करी छे। मन की बात ना 99 एपिसोड ना 36 वक्त गुजरात पर बात करी छे जेने प्रदर्शनी में बतावामां आवी छे। सांसद रंजनबेन भट्ट एमएस यूनिवर्सिटी ना विद्यार्थीओ तेमनी टीमे प्रदर्शनीनु आयोजन कर्युं छे। जो कि प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिले समा विस्तार में उर्मी स्कूल में प्रदर्शनीनु उद्घाटन कर्युं हतुं। आ प्रदर्शनी में पीएम मोदी ना मन की बात ना 99 एपिसोड ना महत्वना अंशों ना फोटोग्राफ साथेनु माहिती मुकवामां आवी हती। कोई पण जातो राजकारण नहीं परंतु प्रेरणादायक प्रसंग द्वारा समाज ने जागृत करवानो युवाओं ने प्रेरणा आपवानो बहनों ने प्रेरणा आपवानो जे आ प्रयत्न थयो छे खरेखर हूँ मोदी साहेब ने पण खूब खूब अभिनंदन आपू छू अने एमनो आभार पण व्यक्त करू छू। काका दुनिया ना कोईपण देश ना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति क्यारे आवो प्रयत्न नहीं कर्यो एवो प्रयत्न पहला प्रधानमंत्री छे के जेमणे आवो सफल प्रयत्न कर्यो छे। गीर सोमनाथना वेरावळनी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड कचेरी खाते राघवजी पटेले बंदरना अधिकारीओ साथे मीटिंग योजी हती। कृषिमंत्री राघवजी पटेले बंदरना अधिकारीओने विकास कामो बाबते खुलासो मांग्यो हतो। मंत्रीए बंदरनी मुलाकात करीने विकासना कामो झड़पथी पूर्ण करवा मौखिक सूचना पण आपी हती। तो थोड़ा समय अगाउ वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए माछीमारोना उत्कर्ष माटे बंदरना विकासना कामोनुं खातमुहूर्त कर्युं हतुं। मत्स्य बंदरोना डेवलपमेंट ना कामों माननीय वडाप्रधानश्रीए खातमुहूर्त कर्या छे। ए कामों झड़पथी शुरू थाय कामों शुरू करवामां कोई अड़चण होय तो एनी जात माहिती मेळववी अने स्थानिक लोको आगेवानो खास कर माछीमार भाईओ साथे चर्चा विचारणा करीने एना प्रश्नों विशे जानकारी मेळववा माटे हूँ आजे आखो दिवस आ विस्तारमां रहेवानो छुं। तो जम्मू काश्मीरना पूंछना बिभर गलीमां गईकाले थयेला आतंकी हुमलानी घटना बाद आजे समग्र विस्तारमां सर्च ऑपरेशन चलाववामां आवी रह्युं छे अने हवे एनआईएनी टीम पण घटनास्थळे पहोंचीने तपास शुरू करी छे। जम्मू काश्मीरनी डीजीपी पण अने एनआईएनी टीम साथे घटनास्थळे पहोंच्या हता अने ઝીણામાં ઝીણી માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે। આર્મીનું વાહન બીમર ગલીથી પૂંછ જતી હતી ને તે સમયે ભારે વરસાદ વચ્ચે આતંકવાદીઓએ ગ્રેનેડથી હુમલો કર્યો હતો જેમાં રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ યુનિટના 5 જવાનો શહીદ થયા હતા। આજે સવારથી આ વિસ્તારમાં બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના જવાન ઉપસ્થિત છે। વાહનોના આવન જાવનને અટકાવી દેવામાં આવ્યો છે અને ડોગ સ્કવોડની મદદથી સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે।